गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज सुबह का वेदर बहुत ही सुंदर है, बहुत क्लियर भी है। सुबह का वेदर देखने में तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इधर देखिए कितना सॉफ्ट वेदर आज, और इधर देखिए मेरे सब प्लांट येलो हो रहा है ये विंटर के कारण। इसको मुझे अभी ठीक करना है क्योंकि इसको देखने में तो बहुत ही खराब लग रही है। इसको अच्छे से पानी भी डालना पड़ेगा। अभी मैं किचन आ गई हूँ। किचन में मिल्क में गर्म करने के लिए बिठा दी। सुबह की यही फास्ट काम है मेरे लिए। अभी नील और बुब्बू गए हैं छत पे घूमने के लिए। सुबह के टाइम छत पे जाने से उसका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, और मेरा तो अभी इधर बहुत थ्रोट पेन है, बहुत ही खांसी भी हुए है। तो मैं अब जाऊंगी चाय बनाने के लिए। आज मैं अदरक डाल के चाय बनाऊंगी क्योंकि अदरक थ्रोट पेन और खांसी के लिए अच्छी होती है ना, तो मैं अदरक डाल के चाय पी लूँगी। अभी मेरी चाय रेडी हो गई। अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ बैठकर थोड़ा गप्पे के साथ चाय पी लेती हूँ। थ्रोट पेन के कारण मैं तो सॉलिड भी अच्छे से नहीं खा पा रही हूँ, तो मुझे तो आज बिस्किट के साथ ही ये लेना पड़ेगा। बिस्किट थोड़ा भिगा के मैं इसको ले लूँगी। इधर मम्मी और मैं कुछ बातें कर रही थी। निन्नो आ गया है ना, निन्नो आ गया। अभी इधर खेल चल रहा है। इधर देखिए नील पानी पी रहा है। नील तो ऑल टाइम बिजी, उसको तो आराम से पानी भी नहीं पीना होता है, जल्दी जल्दी सब काम करना पड़ता है उसको। फिनिश्ड करो, फिनिश्ड नीनो। मामी आज फिर से बड़ी बनाने की तैयारी कर रही है इधर, और बुब्बू फुल मदद कर रही है आज, क्योंकि मामी आज बुब्बू की पसंदीदा वड़ी बना रही है, इसलिए बुब्बू का भी बहुत ही एनर्जी है आज हेल्प करने का। बुब्बू का तो छोटी छोटी वड़ी बहुत ही पसंद है, वो भज्जी दाल के साथ उनका बहुत ही अच्छी लगती है, तो मम्मी तो आज वही वड़ी बनाएगी। अभी मम्मी बुब्बू को सिखा रही है कैसे वड़ी देना है, क्योंकि बुब्बू आज वड़ी देंगे। अभी बुब्बू प्रैक्टिस कर रही है कैसे बड़ी देना है। फास्ट सेकेंड बड़ी छत पे डाल दी धूप के लिए, और अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। ब्रेकफास्ट में आज मैं चना बना रही हूँ। इधर मैं चना रात को ही भिगा के रखी थी, ये फूल गए सब चना, बॉईल होने के लिए रख दी। इसके अंदर मैं थोड़ा सॉल्ट दे दी। अभी इसको अच्छे से मैं फर्स्ट बॉईल कर लूँगी।
बड़ी देने के लिए बहुत सारा बर्तन भी हो गया है इधर, ये थोड़ा धो लेती हूँ। बर्तन धोते धोते तो चना भी बॉयल हो गई इधर, और मैं कढ़ाई में ऑयल भी बिठा दी गरम होने के लिए। अभी ऑयल के अंदर ब्लैक जीरा डाल दी मम्मी ने, मम्मी बना रही है, मैं दिखा रही हूँ। अभी ऑयल के अंदर कटा हुए ऑनियन डाल रही है, छोटी छोटी काट किए हुए हरी मिर्च भी इसके ऊपर ही डाल रही है मम्मी। अभी इसको कुछ टाइम के लिए फ्राई करेंगे। अभी इसके ऊपर थोड़ा सॉल्ट डाल रही है, क्योंकि सॉल्ट भी थोड़ा मेल्ट होना चाहिए और ऑनियन के अंदर भी सॉल्ट का कुछ टेस्ट आना चाहिए। और इसके ऊपर ही थोड़ा हल्दी भी डाल दी। अब इसको भी अच्छे से मिला रही है। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं और थोड़ा खाने से ही पेट तो भर जाते हैं। बातें करते करते इधर ऑनियन और ग्रीन चिली फ्राई हो गई, तो अभी इसके ऊपर बॉईल किए हुए चना डाल दिए और इसको भी अच्छे से मिला रही है। कुछ ही टाइम इसको भूनने के बाद ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई, तो अभी इसके ऊपर लेमन जूस डालना है, इसलिए लेमन कट कर रही है और इसके ऊपर लेमन जूस डाल रही है। तो लेमन जूस डालने के बाद ये गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया हमने। अभी ये लेमन जूस को भी अच्छे से चना के साथ मिला लेती हूँ। मिलाने के बाद ये फूल रेडी हो गई। अभी इसको हम ब्रेकफास्ट में सर्व कर रही हूँ। चना की ये आइटम बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है और थोड़ा लेने से ही पेट भी फुल भर जाती है और बहुत ही हेल्दी भी है। अभी हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, इससे इधर मम्मी भी खा रही है, इधर फूफू और नील का भी इधर है थोड़ा सा। नील इधर फिर से कुकिंग कर रहा है, देखिए नील इधर फिर से कुकिंग कर रहा है। हाँ ना पापा, नहीं ना सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।